हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा एक छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है 1 अगस्त से, जिसके रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था आपका 31 जुलाई। अब इस रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर किया जा रहा है 1 अगस्त, यानी कि एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट की लिमिट थी आपके 100 स्टूडेंट की, उसे भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स की डिमांड्स आ रही है तो आपके 100 सीट तो फुल हो चुके हैं, लेकिन उसे बढ़ाया जा रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है आपका 31 जुलाई जो लास्ट डेट रखा गया था उसे किया जा रहा है आपका 1 अगस्त। तो जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो 1 अगस्त को रात के 12 बजे तक नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करेंगे 15 से लेकर के 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स पर। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका कोसली गाय। कोसली गाय ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, ध्यान समझिएगा। राष्ट्रीय अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल के द्वारा इस कोसली गाय को देश का 36वां गोवंश नस्ल नाम पर इसे पंजीकृत किया गया, यानी कि रजिस्टर्ड किया गया है। जो आपका राष्ट्रीय अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो करनाल है, उसके द्वारा हमारे प्रदेश की कोसली गाय को देश का 36वां गोवंश नस्ल के नाम पर इसे पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड किया गया है। देखिए, इसका नामकरण, ये जो गाय है, इस गाय का नामकरण कोसली क्यों रखा गया, इसका नामकरण जो है हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था आपका कोसल। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम था कोसल, तो इस कोसल नाम पर ही इस छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली गाय का नाम रखा गया है कोसली। ठीक, इसका सर्वेक्षण, ये जो आपका गाय का जो है, गाय का सर्वेक्षण कामधेनु पशु विश्वविद्यालय जो कि दुर्ग जिले में है, दुर्ग जिले के कामधेनु पशु विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग 4 वर्ष तक इस गाय के रहवास का, इसके रहन सहन का जो है आपका परीक्षण किया गया 4 वर्षों तक। ठीक, इसका जो प्राकृतिक तौर पर जो इसका रहवास है, ये है आपके मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो सेंट्रल हिस्सा है, मध्य छत्तीसगढ़ वाला जो मैदानी हिस्सा है, वहाँ पर इसका रहवास है। हमारे प्रदेश में इस कोसली गाय की संख्या, आबादी कितनी है पूछा जाए तो वो है आपका 31.92 लाख, 31.92 लाख ये गाय की आबादी है हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। विशेष बात क्या है, ये जो कोसली गाय है, कोसली गाय लगभग 1.5 लीटर तक दूध देती है। और ध्यान से समझिएगा, ये नस्ल भारत में गायों की कुल नस्ल है आपका 43, और 43 गायों की नस्ल में से हमारे छत्तीसगढ़ के इस कोसली गाय को इसके सर्वे के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर जो है इसे 36वें नंबर के गोवंश नस्ल पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, कोसली गाय जिसे राष्ट्रीय अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के द्वारा 36वां गोवंश नस्ल के नाम पर इसे पंजीकृत किया गया है, जो देश में मौजूद 43 नस्लों में से 36वें नंबर पर है। इसका नाम किस नाम पर रखा गया है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम कौशल पर इस गाय का नाम रखा गया है। इसकी आबादी कितनी है, 31.92 लाख इस गाय की आबादी है, जो मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो मध्यम वर्गीय जो कृषि परिवार है, इनके आजीविका का एक प्रमुख ये जो है आपका साधन है ये गाय। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, कोसली गाय जिसे 36वें नंबर के गोवंश नस्ल के रूप में पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट है 20,000 साल पुराने शैलचित्र और औजार। हाल ही में जो है आपका जशपुर जिले के लिखा आरा वाले क्षेत्र में 20,000 साल पुराने शैलचित्र और औजार मिले हैं। ये किस काल के हैं, ये है आपके पूरा पाषाण काल के। पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ पे जो आपके 20,000 साल पुराने शैलचित्र और औजार मिले हैं, ये पूरा पाषाण कालीन है। ठीक, यहां पर साक्ष्य के तौर पर पहाड़ियों के कंदराओं में शैलचित्र, पाषाणकालीन औजार के अवशेष तथा महापाषाणिक समाधियां मिली है। अब ये है क्या, पहाड़ियों के कंदराओं मतलब पहाड़ों के दरारों के बीच, जो आपके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चट्टानों के जो पहाड़ होते हैं, उसके दरारों के अंदर शैलचित्र मिले हैं।
आपके पाषाणकालीन औजार के साक्ष्य मिले हैं या अवशेष मिले हैं और महापाषाणिक समाधियां मिली है। महापाषाणिक समाधि का मतलब पहले के समय जब आदि मानव काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को दफना करके उस स्थान पर एक विशाल पत्थर रख दिया जाता था उसके स्मृति के तौर पर, तो वो कहलाता है आपका महापाषाणिक समाधियां। ठीक, ये जो आपके मुख्य रूप से इस स्थान पर लिखा आरा में जो औजार मिले हैं वो आपके हस्त कुल्हाड़ी और हस्त कुठार मिले हैं। ठीक है, हस्त कुल्हाड़ी और हस्त कुठार मुख्य रूप से औजार के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। एक प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा कि लिखा आरा पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, तो ये मौजूद है आपके जशपुर जिले में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा। भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा ये स्थापित किया जा रहा है कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी रायपुर में। आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों का चयन करके उसे छत्तीसगढ़ राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आपके इसी चंदखुरी रायपुर जिले के चंदखुरी में जो आपके माता कौशल्या का मंदिर है उस माता कौशल्या के मंदिर से इस छत्तीसगढ़ सरकार के राम वनगमन पथ की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी रायपुर में ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी जलसेन तालाब में। देखिए, जो आपका एक जलसेन जो चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर जो स्थापित है वो तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है, वहीं पर ये मंदिर है और ये जो आपके तालाब का नाम है जलसेन तालाब, और इसी जलसेन तालाब के बीचों बीच भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसे बनाया जा रहा है बिल्हा स्टोन से। बिल्हा स्टोन की खासियत क्या है, ये गुलाबी रंग का होता है, ठीक है, जिसमें लगभग 95% कार्य हाथों से किया जा रहा है, बाकी बचा हुआ आपका 5% कार्य के लिए मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कारीगर इस मूर्ति को बनाने के कार्य में संलग्न है। विशेष बात क्या है कि चंदखुरी का जो आपका माता कौशल्या, चंदखुरी वाला जो क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर में जो मौजूद चंदखुरी है, ये माता कौशल्या का मायका था। ठीक है, माता कौशल्या का मायका था और चंदखुरी में मौजूद माता कौशल्या का मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है माता कौशल्या का। ठीक है, जैसे कि पुष्कर में आपके ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है देश में, वैसे ही माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है हमारे छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माता कौशल्या का ये मायका था, इसी कारण से हमारे छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना। अब ये क्या है, भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना, ध्यान समझिएगा, ये योजना जो है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ही शामिल है, भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना। अभी इसकी केवल घोषणा की गई है, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रति परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपए की राशि दी जाएगी, सालाना 6000 रुपए की राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपए की राशि दी जाएगी इस भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत। इसमें जो है, देखिए हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 2485 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें से 200 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए आवंटित की गई है। अभी ये योजना लागू नहीं हुआ है, केवल सरकार के द्वारा घोषणा की गई है और अभी इस योजना पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा लक्ष्य दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत 10 से 12 लाख से अधिक लोग इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे और इसमें लाभान्वित होने वाले लोगों में भूमिहीन कृषि मजदूर है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों को लाभ मिल रहा है जिनके पास स्वयं का खेती का जमीन है, स्वयं का कृषि के लिए भूभाग जिनके पास मौजूद है, उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना का तो लाभ मिल रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार भी है जो कृषि कार्य में लगे तो हुए हैं लेकिन उनके पास स्वयं का जमीन नहीं है। आप एक वर्ड सुने होंगे, अध्या। अध्या का मतलब क्या होता है कि स्वयं के पास खेत नहीं है लेकिन किसी दूसरे के खेत को रहन में रखा जाता है। रहन में रखा जाता है का मतलब दूसरे के खेत के साथ जो है आधा आधा 50-50 बंटवारा किया जाता है। खेत किसी और का होगा लेकिन उसमें अपना मेहनत अपना श्रम कोई दूसरा व्यक्ति देता है। ठीक है, यानी कि यह व्यक्ति कृषि कार्य में तो लगा हुआ है लेकिन वो कृषि की जमीन किसी और की है, इसके पास स्वयं का भूमि नहीं है, यह कहलाते हैं आपके भूमिहीन कृषि मजदूर। जो कृषि कार्य में लगे तो हुए हैं लेकिन इनके पास स्वयं का कृषि भूमि नहीं है, वो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। ठीक है, भूमिहीन खेती मजदूर न्याय योजना क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी इसकी केवल घोषणा की गई है, बजट में जो है इसमें 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
निगम मंडल के अध्यक्ष, अभी हाल ही में निगम मंडलों में कुछ नियुक्तियां हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली नियुक्ति, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है आपके श्री सर्जियस मिंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है, श्री सर्जियस मिंज, ये हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सेकंड नंबर पर है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है श्री भानु प्रताप सिंह। और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष है आपके श्री जितेंद्र मुदलियार। इन तीन का नाम याद रखना है, इससे पहले भी जो हमारे करंट अफेयर के वीडियोस आए हैं उसमें और भी आपके पहले छत्तीसगढ़ के जो आपके निगम मंडल में नियुक्तियां हुई है, जो विभागों के अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हुई है उसे हम कवर कर चुके हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो मैगजीन आया है, मैगजीन जो कि बुक के फॉर्म में बहुत सारे बुक डिपो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिस किसी को भी मैगजीन लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, उस मैगजीन में भी आपका ये सभी निगम के जो आपके अध्यक्ष है उनकी लिस्ट दी गई है, प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों वाले सेक्शन में, वहां से जाके याद कीजिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सर्जियस मिंज, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह, और छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, इनके नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुटेश्वर लाइमस्टोन माइंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये कुटेश्वर लाइमस्टोन माइंस कहाँ है, ये मौजूद है आपके कटनी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जिले के कटनी में मौजूद है कुटेश्वर लाइमस्टोन माइंस। ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया, ध्यान दीजिएगा, बीएसपी ने माइंस का संचालन शुरू किया है, जो आपके कटनी मध्य प्रदेश में जो कुटेश्वर लाइमस्टोन का माइंस है, बीएसपी ने इसका संचालन, इस माइंस का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बीएसपी को लाइमस्टोन की पूर्ति होती है नंदनी माइंस से, लेकिन नंदनी माइंस से उत्खनन कर लिया गया है, जितने भी वहां पे लाइमस्टोन का भंडारण था वो लाइमस्टोन का भंडारण का उत्खनन किया जा चुका है, और जो बचे हुए लाइमस्टोन आपके नंदनी माइंस में मौजूद है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है। तो बीएसपी को अब जो अपने लाइमस्टोन की आपूर्ति के लिए दूसरे माइंस की आवश्यकता पड़ी, और वो अब संचालन कर रहा है कुटेश्वर लाइमस्टोन माइंस, जो मौजूद है आपके कटनी मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइंस है, इस माइंस से वर्ष 1973 से सेल के रॉ डिवीजन मटेरियल के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये भी आपका सेल का ही हिस्सा है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही एक यूनिट है। ठीक, तो सेल के रॉ डिवीजन मटेरियल के द्वारा वर्ष 1973 से इस कुटेश्वर लाइमस्टोन में उत्खनन किया जा रहा है। तो अब जो है इसी सेल के अंतर्गत अब बीएसपी इस कुटेश्वर लाइमस्टोन से आपका अपने लिए लाइमस्टोन की आपूर्ति पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, लाइमस्टोन का उपयोग क्या होता है भिलाई इस्पात संयंत्र में, इसका उपयोग लाइमस्टोन का उपयोग लौह अयस्क की अशुद्धि को हटाने के लिए किया जाता है। इस कुटेश्वर लाइमस्टोन माइंस का जो है, यहां से लाइमस्टोन का उत्पादन 17 लाख टन प्रतिवर्ष किया जाएगा। ठीक है, यहां से जो है 17 लाख टन प्रतिवर्ष लाइमस्टोन का उत्पादन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हटकेश्वर महादेव मंदिर। देखिए, हटकेश्वर महादेव मंदिर, अभी हाल ही में आपका सावन का महीना चल रहा है, जिसके कारण कुछ कुछ आपके महादेव मंदिर से संबंधित आर्टिकल आते हैं। एक आर्टिकल आया है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इसे करंट अफेयर में शामिल किया गया है। हटकेश्वर महादेव मंदिर जो कि मौजूद है खारून नदी के तट पर, जिला रायपुर में। ठीक, यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे किंवदंती प्रचलित है, एक कलचुरी शासक थे जिनका नाम था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को नदी के अंदर एक शिवलिंग मिला, जिसके पश्चात ब्रह्मदेव, कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने नदी में मिले इस शिवलिंग को नदी के किनारे ही स्थापित कर दिया। कालांतर में, यानी कि बाद में वर्ष 1402 ईस्वी में, कलचुरी शासक भोरम देव का पुत्र रहता है आपका रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने इसी शिवलिंग के लिए है आपका मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, आपका शिवलिंग किसे मिला, कलचुरी शासक ब्रह्मदेव को खारून नदी के अंदर शिवलिंग मिला, जिसे उठा करके उन्होंने खारून नदी के किनारे स्थापित कर दिया। बाद में 1402 ईस्वी में भोरम देव का पुत्र रहता है, कलचुरी शासक भोरम देव का पुत्र रहता है, कलचुरी शासक रामचंद्र देव, जिसने इस शिवलिंग के लिए मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो वो आंसर होगा आपका रामचंद्र देव। ठीक, विशेष बात क्या है, उस आर्टिकल में बताया गया है कि जो खारून नदी है, खारून नदी का द्वापर युग में नाम था द्वारकी नदी। ठीक है, द्वारकी नदी,
ये खारून नदी का द्वापर युग में नाम था द्वारकी नदी। यहीं पर हटकेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है हमारे प्रदेश का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला, यानी कि इस किनारे से उस किनारे मंदिर तक जाने के लिए नदी को पार करने के लिए यहां पर बना हुआ है आपका लक्ष्मण झूला, और इसे छत्तीसगढ़ का मिनी काशी भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मिनी काशी कहा जाता है आपके हटकेश्वर महादेव मंदिर को। नेक्स्ट है कलमा बैराज, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कलमा बैराज जो कि निर्मित है महानदी पर जिला जांजगीर चांपा में, ठीक है, जांजगीर चांपा में महानदी पर आपका निर्मित है कलमा बैराज, जो कि चंद्रपुर के पास ये कलमा बैराज का निर्माण किया गया है। बैराज का मतलब क्या होता है, एक छोटा स्टॉप डैम। देखिए प्रस्तावित यहां पर जो है मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, तो यहां पर प्रस्तावित है मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाभान्वित होगा आपका 15,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे की सिंचाई की जाएगी इस मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, इस कलमा बैराज का निर्माण जो है कलमा ग्राम जांजगीर चांपा से बारगांव रायगढ़ तक इस कलमा बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है, कलमा ग्राम जो है ये मौजूद है जांजगीर चांपा में, जबकि बारगांव मौजूद है रायगढ़ में, इसके मध्य कलमा बैराज का निर्माण किया गया है। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कलमा बैराज किस जिले में है, तो लगाना कहां है, जांजगीर चांपा, क्योंकि इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, कलमा ग्राम के नाम पे रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस कलमा बैराज को जो है बनाए जाने की शुरुआत की गई थी वर्ष 2011 में, जबकि ये बन करके तैयार हुआ मार्च 2016 में। ये कलमा बैराज छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार के मध्य विवाद का कारण भी है, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। ठीक है, ये जो कलमा बैराज है महानदी का पानी रोके जाने के कारण, कलमा बैराज के द्वारा महानदी का पानी रोके जाने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार के मध्य विवाद का कारण भी है ये आपका कलमा बैराज। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में तथा इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला वर्ष 2009 में, हमारे प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसमें जो है नए कुलपति नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल। ठीक है, डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल हाल ही में इसके नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। इसके पहले कुलपति थी आपकी अंजिला गुप्ता, अंजिला गुप्ता के स्थान पर नए कुलपति बने हैं डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके 15 से लेकर के 31 जुलाई तक के करंट अफेयर, और भी बहुत सारे छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन उसको ऐड करने से बेटर है कि हम इंपॉर्टेंट को पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।